नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पाल आपका एक बार फिर से देवाटेक चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट करते हैं। दोस्तों, आज उससे पहले हम आपसे विनती करेंगे दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल में अगर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि यदि हमारी इस ये वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। दोस्तों, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने उस फेसबुक अकाउंट पर आइए जो इस फेसबुक अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद आप आइएगा, फिर उसके बाद आप आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप आएंगे अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद आप आइए जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आने के बाद आपको आप आते हैं मैनेज अकाउंट में। मैनेज अकाउंट में इसमें लिखा हुआ है डीएक्टिवेट अकाउंट। यदि आप इस डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करते हैं और आप पासवर्ड से इसका पासवर्ड बताएंगे और कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपका अकाउंट कुछ ही दिनों के अंदर डीएक्टिवेट होगा। पर ध्यान रहे, आपको डीएक्टिवेट करने के बाद इस अकाउंट में फिर आपको दोबारा रेंटर नहीं करना है, तभी आपका ये अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा आप यदि आप इस अकाउंट में फिर से रीएंटर करेंगे, यानी कि फिर से आप इस लॉगिन करेंगे इस अकाउंट में, तो यह फेसबुक वाले समझ जाएंगे कि आपको इस अकाउंट को डिलीट नहीं करना है, तो फिर वे आपका इस अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जिस दिन से आप डीएक्टिवेट कर ऑप्शन से रिक्वेस्ट भेज देंगे फेसबुक वालों के पास, उस दिन से आपका जो है रिक्वेस्ट दर्ज कर लिया जाएगा। दो तीन दिन का समय देते हैं ये कि यदि आप अपने अकाउंट को डिलीट ना करें, नहीं करना चाहते हैं तो सोच विचार लीजिए ऐसा कुछ। फिर उसके बाद यदि आप लॉगिन नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि डिलीट होने के बाद भी अकाउंट में डाटा जो होता है वो सब सेव स्टोर रहता है, पर वो स्टोर वो डाटा किसी और को नहीं देख सकता है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है, कोई जो कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, पूछ लीजिएगा। और चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।